सुंदरपुर गांव में एक चमचम नाम की छोटी बच्ची रहा करती थी। उसका मन बचपन से ही शंकर भगवान के पूजा में लगा करता था। वो बचपन में ही अनाथ हो चुकी थी। उसकी माँ छोड़ के उसे बचपन में ही चली गई थी। तभी उसके पिता ने शादी कर ली और जो सौतेली माँ थी वो बहुत ही घमंडी और क्रूर किस्म की थी। उससे खाना बनवाती और घर का सारा काम करवाती। चमचम की एक सहेली थी सुंदरी, जो कि उसके पड़ोस में रहा करती थी। सुंदरी चमचम से एज में बड़ी थी, लेकिन चमचम को अपनी बहन जैसा माना करती और उसकी मदद किया करती थी। चमचम शंकर भगवान के बारे में कोई भी बात नहीं सुन सकती थी। वो अपनी सहेली से कहती, सुंदरी दीदी, आपको पता है मेरी माँ मुझे पूजा भी नहीं करने देती, तो मैं जितने देर खाना बनाती या नहाती हूँ उतने देर ही शिव जी का नाम लेती हूँ। तभी उसे सुंदरी समझाती, देख तेरे दिल में शंकर भगवान है ना, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा तेरे साथ है। इधर सुंदरी उसके पास से जा ही रही थी कि उसे कोई फूसफूस की आवाज़ सुनाई देती। चमचम की सौतेली माँ और उसके पिता बात कर रहे थे कि चमचम का मन बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा और वो अगल बगल बहुत भटक रही है, हमें कोई तांत्रिक को दिखा के उसकी बुद्धि बदलनी पड़ेगी। ये सारी बातें खिड़की से सुंदरी सुन रही थी। अब वो दिमाग लगाती कि वो अपने घर ना जाके इन लोगों का पीछा करेगी। चमचम की सौतेली माँ कहती कि मुझे एक तांत्रिक के बारे में पता लगा है, मैं उसके पास आज ही जा रही हूँ, आप तब तक चमचम का ध्यान रखना, कहीं वो हमारे हाथ से ना निकल जाए। तांत्रिक के पास वो जाती, उसके पीछे पीछे छिप के सुंदरी जाती और दूर से डरावना जगह देख के घबराए वो घर की ओर भाग आती। चमचम की माँ उससे कहती, मेरी बेटी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है, कल आपके पास मेरे पति उसे लेकर आएंगे, तो आप कुछ ऐसा बहाना बनाना कि फिर वो शिव जी की पूजा ही छोड़ दे। आप उससे कुछ अपने दिमाग से कह देना बाबा जी, और अगर उससे काम ना बने तो फिर हम लोग उस पर काली विद्या का काम करेंगे, आपकी तंत्र विद्या से हम लोग उसे अपनी वश में कर लेंगे। बाबा जी हंसते हुए कहते, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, कल तुम उसे लेकर आ जाओ। इधर चमचम को वो लोग तैयार करते और अपने साथ बिना उसे बताए लेके जाते। चमचम मन ही मन बहुत उदास रहती, क्योंकि उसके साथ आज तक बचपन से कुछ अच्छा नहीं हुआ। वो जा भी रही थी अपने पिता के साथ तो मन में यही सोचते हुए जा रही थी कि ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। सुंदरी उन लोगों का पीछा की थी। चमचम को पिताजी उसके एक आश्रम पर ले जाते, वहाँ पे वही ढोंगी तांत्रिक बैठा हुआ था। तांत्रिक चमचम को देख के कहता, आओ बेटी, तुम्हें दूर से देख के ही पता चल गया कि तुम शिव जी की भक्त हो। चमचम खुश हो जाती और कहती, आपको कैसे पता, मेरे शिव जी ठीक है ना। तभी वो तांत्रिक जवाब देते हुए कहता, अब तुम शिव जी की पूजा मत करना, क्योंकि शिव जी अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, शिव जी और पार्वती जी में लड़ाई हो गई तो वो बहुत दूर चले गए हैं, अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। ये सब सुन चमचम बहुत दुखी हो जाती और अपने पिता के सामने तुरंत रोना शुरू कर देती। तांत्रिक अंदर ही अंदर हंसता और वो सोचता कि मेरा शिकार पकड़ा गया है। उसके पिता उसे घर की ओर लेके चले जाते और अपनी पत्नी से कहते हैं, पंडित ने अपना काम कर दिया, अब वो पूजा पाठ में ज़्यादा नहीं रहेगी, वो चुपचाप अब सारा काम करेगी और ना ही किसी से वो बातें करेगी। वो लोग अंदर ही अंदर खुश रहते हैं। अगले दिन वो फिर तांत्रिक के पास जा रही थी तो सुंदरी ने सारे गाँव वालों को बता दिया था। गाँव वाले उसे रोक के पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, जवाब में वो कहती, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। गांव वाले चुपचाप उसका पीछा करने लगते हैं। ये फिर से उसी तांत्रिक के पास गई रहती है, क्योंकि इसने कल जबान दिया था कि अगर इसका काम बन गया तो ये बाबा को कुछ भेंट देगी। वो कुछ धन लेके गई थी, तभी देखते ही देखते वो गांव वालों को अपने सामने देख लेती और घबराए हुए कहती, अरे मेरी सहेली यहीं पर आई थी, मैं उसी को ढूँढने आई थी, ना जाने अचानक से वो कहाँ चली गई, मुझे इस जगह पे बुला दिए, मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसा जगह है, डरावना सा। तभी देखते ही देखते वो तांत्रिक बोलता है, मूर्ख, तूने मुझे डरावना बोला और मेरा काम निकलवा के मुझे तूने ऐसे बात बोल दी, मुझे बहुत बुरा लगा। देखते ही देखते वो तांत्रिक गायब होता और शंकर जी प्रकट हो जाते। ये सारी बातें शिव जी ही बोल रहे थे।
शिव जी को देख के उसकी सौतेली माँ घबराए पीछे खड़ी हो जाती और कहती कि तुम अगर पूजा नहीं कर सकती तो किसी को भड़काओ मत, अगर उसका मन शांत रहता है पूजा पाठ करके तो तुम उससे क्यों रुक रही हो। ये सब देख वो बिल्कुल घबराए साइड में खड़ी रहती और शिव जी से सारे गांव वाले माफ़ी मांगते। चमचम की सौतेली माँ भी माफ़ी मांगती और कहती, हे भगवान, इस बार मुझे बख्श दो, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मैं चमचम का ख्याल रखूँगी। शिव जी गायब हो जाते, वो घर वापस जाती और चमचम का आपसे पूरा ख्याल रखती। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर।